दिल्ली के एक मॉल के वॉशरूम में एक लड़की की लाश पड़ी होती है। मॉल का गार्ड पुलिस को फोन करता है और कुछ ही देर में पुलिस वहां पहुंच जाती है। पुलिस तुरंत ही मॉल के अंदर मौजूद 3 सस्पेक्ट को पूछताछ के लिए पकड़ लेती है। पहला आदमी बोलता है, सर मैं तो कपड़े खरीदने के लिए आया था और बस अब वापस जा रहा हूँ, मैंने मर्डर नहीं किया। दूसरी औरत बोलती है, सर मैं तो बच्चे का शर्ट लेने आई थी, मैं तो वॉशरूम भी नहीं गई। तीसरी लड़की बोलती है, सर मैं वॉशरूम गई थी लेकिन मर्डर के बारे में कुछ नहीं पता है। पुलिस तुरंत समझ जाती है कि कौन झूठ बोल रहा है और उसे गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन क्या आप समझ पाए, आपका आंसर कमेंट करके बताइए। तीनों लोगों ने कहा उन्होंने मर्डर नहीं किया है। लेकिन अब दूसरी औरत के कान को देखिए, उसके एक कान में इयररिंग तो है लेकिन दूसरी की गायब है और वो दूसरी इयररिंग वॉशरूम में डेड बॉडी के बाजू में पड़ी है। पुलिस की नजर जैसे ही उसकी इयररिंग पे पड़ती है, पुलिस ये समझ जाती है कि खूनी कौन है और उसे पकड़ लेती है।